गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? और हम ठीक हैं और हम इस नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इस ब्लॉग में आज है वट सावित्री जी की पूजा, जो कि अभी हम सुबह उठे हैं 4 बजे और झाड़ू भी लगा ली, पोछा भी और बर्तन वगैरह सब साफ, क्योंकि किचन भी साफ कर दी, नहा लिया है। अब हमने आटा भी लगा लिया है, मतलब पूजा का जो बनता है पूड़ी और जो गोल गोल बनते हैं वो बनाने जा रहे हैं। तो आप मेरे घर में देखते रहिए आगे। इधर हमने आटा लगा लिया है, ये गुलगुले वाला गोल गोल और ये पूड़ी वाला। अब हम जा रहे हैं सेकने। दोस्तों बज रहा है सुबह का 5 और हम पूजा वूजा सब कर चुके हैं। ये देखिए सुबह भी हो गई है, बाहर लाइट बंद कर देते हैं अब इसको, क्योंकि लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह हो चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह उठ के सच में दोस्तों। अब हम चलते हैं पूरी और वो बनाने। इनको ऐसे बनाया जाता है दोस्तों, देखिए ये गोल गोल रसगुल्ले की स्टाइल में। ये देखिए दोस्तों बन रहे हैं मेरे बरगदा। बन गया मेरे बरगदा और अब हम बना रहे हैं, सेक रहे हैं गर्मा गर्म कुचैया पूजा के लिए। इधर बेल के रख रही हैं दोस्तों। हम लगा रहे हैं आलता पैरों में, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद नहीं लग पाएगा, अभी से लगा देते हैं। और ये देखिए दोस्तों मैंने मेहंदी अपने हाथों से लगाई थी, देखिए इसमें तो गोल गोल रखा था, लगानी नहीं आती फिर भी थोड़ी बहुत तो लगाई है। पहले हम बनाते हैं सतिया,
तड़का लगाने से पहले, और अब हम लगाते हैं अपने पैरों में गर्म। अभी आपको दिखाएंगे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, आपको दिखाएंगे अभी। ये दोस्तों लग गया मेरे आलता। इधर हम हो गए हैं लड़की, और देखिए हमने ये साड़ी पेयर करी, बताइए कैसी लगी है ये साड़ी। और बस अब जा रहे हैं बाल काटने, और उसके बाद जा रहे हैं पूजा। तैयार है, अब हम जा रहे हैं पूजा करने बरगदाई जी की। अभी बज रहा है 6 बज रहा है दोस्तों, तो बस आराम से ठंडे ठंडे नहीं, बहुत गर्म हो जाएगा। वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई है। तो दोस्तों मेरी सारी पूजा की तैयारी हो गई है, अब हम जा रहे हैं बरगदाई पूजने। इनको भी जगा दिया, ये सो रहे थे। आगे आपको आगे मिलते हैं हम। तो यार यहाँ इन लोगों का घर है, तो दोस्तों हमारा हो गया है पूजा संपन्न। अब हम शूट नहीं कर पाए, अब इनका हम शूट करें। देखिए हम यहाँ पे आए थे पूजा करने, ये 12 साल पुराना बरगद है। तो दोस्तों पूजा हो गई है हमारी, अब हम चलते हैं घर वापस। मैंने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने आज 7 बजे तक पहले पूजा कर ली है, तो अच्छे से हो भी गई। नहीं तो 9 बजे जब होती तो पता नहीं कितनी भीड़ होती। फिर भी भीड़ थी, ऐसा नहीं था कि भीड़ नहीं थी, लेकिन थोड़ी थाड़ी थी। आराम से चलाओ। आ गए हैं हम अपने घर, और अब हम अपने घर की पूजा करेंगे, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसे हुई हमारी वट सावित्री पूजा, बहुत अच्छे से संपन्न हुई दोस्तों। और ऐसे ही भगवान सबका स्वरूप बना रहे, सबको भगवान वट सावित्री जी आशीर्वाद दें। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और मेरे ब्लॉग को खूब ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।